तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे तो एक रेडियस पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज द पोजीशन वेक्टर गिवेन इन द क्वेश्चन। अगर इस पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी टी वेक्टर प्लस बी और टी वेक्टर डिवाइडेड बाई टू, वेयर बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सलेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर सबको निकालने आता है। एक बार इसका डेरिवेटिव कर लेना है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर एक बार इसका डेरिवेटिव कर लेना है। तो अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका बनेगा सी, इसका बनेगा ठीक है, इसका इसका देखो इसका बनेगा सी, और यहाँ पे बी टी का स्क्वायर चढ़ा था तो टी स्क्वायर था, तो टू बी टी यहाँ से डिवाइडेड बाई टू बी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ बी वेक्टर है यहाँ और यहाँ सी वेक्टर है, तो टू बी टी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से जब ये कट कुट जाएगा तो यहाँ से जो वेलोसिटी वेक्टर फाइनली दिखेगा वो दिखेगा सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और टाइम मल्टीप्लाइड बाई टी, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और अगर इसका मैं मॉड लूँगा और मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर मैं एक्सलेशन निकालता हूँ तो यहीं पे निकाल लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना, डेल्टा टी। तो इसका डेरिवेटिव लो, सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और बी कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का 1 हो गया, तो एक्सलेशन वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर मॉड आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए था बोलो, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा वी मॉड, तो आई होप कि सबको मैग्नीट्यूड लेने आता होगा, तो ये लिखूंगा मैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी सी कॉस थीटा, दो वेक्टर के बीच का यहाँ टी भी तो है, बी और टी का स्क्वायर यहाँ से, ठीक है ना, बी और टी का स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से एक और टी, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ये। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ वो वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ, तो इसको मैं सी डॉट सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है सेल्फ वेक्टर का कॉस 0 1 होता है, ठीक है ना। ए डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो अगर ये ए डॉट ए है तो ए स्क्वायर हो गया ना, कॉस 0 1 हो गया, तो इसीलिए इसको मैं लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर को मैं बाहर रखूँ तो बी डॉट बी लिख सकता हूँ यहाँ से, और प्लस टी को यहाँ बाहर रखूँ तो बी डॉट सी लिख सकता हूँ, और 2 टाइम्स बी डॉट सी अंडर रूट, तो ये इसका वेक्टर में मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। इस हिसाब से तुम देखोगे तो अपना जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2b.c, और ए ऑप्शन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी डॉट डी और ग्रेटर देन। चलो एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा भाई, इस एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड लोगे मॉड 2 मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ठीक है ना, ये वाला इसका इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मॉड ए, इस हिसाब से अपना ए ऑप्शन मैच कर जाता है, ये गलत है ये गलत है ये गलत है, ठीक है ना। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना था।